कौन कहता है इंसानियत धर्म की मोहताज होती है। यदि कुछ करने का जज्बा हो तो अपने हुनर से भी देशभक्ति की जा सकती है। ऐसी ही मिसाल पेश की है मंदसौर निवासी नारू खान ने। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के 62 वर्षीय शख्स नारू खान ने एक स्वचालित सैनिटाइजर मशीन बनाई, जिसे आज नारू खान ने मंदसौर स्थित इंदिरा गांधी जिला अस्पताल को दान कर दी। इसे बनाने में उन्हें 48 घंटे लगे। वह यूट्यूब की सहायता से बनाया गया। उन्होंने बताया कि इसे कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। नारू भाई जैसे व्यक्तियों की यह पहल समाज में सौहार्द बनाए रखने का काम करती है, जो तारीफ काबिल है। बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 182 हो गई। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 11 हो गया है। कैनन न्यूज से भावना सांखला की रिपोर्ट। नारू खान में हो मंदसौर निवासी नएपुरे का रहने वाला हूँ। कक्षा 2 पढ़ा हुआ हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। और ये यूट्यूब पे मैंने इस मशीन को देखी तो मेरे दिल में मैंने सोचा कि इस मशीन को क्यों ना मैं बना दूँ। फिर कुछ सामान मैंने बाज़ार से फुहारे वगैरह लगाया, 6 फुहारे मैंने इसमें लगाए, चारों तरफ से एक फुहारा, 2 फुहारे साइड से दिए, 2 नीचे से दिए मैंने, ताकि पूरा आदमी क्लीनिंग होके और बाहर निकल जाए। जैसे ही वो आदमी अंदर एंट्री करेगा और एंट्री करके बाहर निकलेगा, अपने आप मशीन बंद हो जाएगी। पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम करी है मैंने इसको, और मैंने ट्रायल भी ली इसकी। ट्रायल लेने के बाद ये मशीन सक्सेस हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मशीन को मैं अपने मंदसौर हॉस्पिटल के अंदर देना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो डॉक्टर साहब इतनी सेवा कर रहे हैं, ये उनके लिए आराम से प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर हो जाए और पूरा क्लीनिंग होकर वो बाहर निकल जाए इसके अंदर, ताकि उनको कोई भी किसी बात की दिक्कत ना आवे। कितनी मोटर लगाई गई है? मैंने इसमें 6 मोटरें लगाई है और 6 मैंने फुहारे लगाए हैं इसके अंदर। 4 फुहारे ऊपर दिए, 2 मैंने नीचे दिए, ताकि पूरा क्लीनिंग होकर आदमी बाहर आता है इसके अंदर। ऑटोमेटिक स्विच है इसके अंदर, कोई लिमिट स्विच है, जैसे ही पैर रखेंगे अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं वो, और जैसे ही बाहर निकलेंगे अपने आप बंद हो जाते हैं वो। हैं उन्होंने इसको बनाया है अपने एफर्ट से ही, और इसके माध्यम से जो स्वास्थ्य से संबंधित कर्मचारी हैं और जो मिलने वाले हैं जिला अस्पताल में, जो ज़रूरी लोग हैं वो अंदर जाते हैं, तो हमारी वो कोशिश है कि उनको पूरी तरीके से सैनिटेट करके अंदर भेजा जाए। और 0.2% हाइड्रोक्लोराइड के मिक्सचर के साथ इस सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सैनिटाइजेशन से जिला अस्पताल को पूरी तरीके से सैनिटेट करने में हमको मदद मिलेगी। और ये कल से इसका प्रयास शुरू हुआ था, आज इसको ऑपरेशनल किया है। हम लोग इसकी तरफ नज़र रखे हुए हैं कि कैसा इसका इम्पैक्ट आता है।